उदाहरण 5 प्रश्न। संलग्न चित्र में चार किरणें OP, OQ, OR और OS हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण POQ धन कोण QOR धन कोण SOR धन कोण POS बराबर 360 अंश है। हल। दिए गए चित्र में किरण OQ को एक बिंदु T तक बढ़ा दें, जैसा अगले चित्र क्रमांक 23 में आप देख सकते हैं, ताकि TOQ एक रेखा हो जाए। अब चित्र से स्पष्ट है कि किरण OP रेखा TQ पर है, अतः रैखिक युग्म कोण TOP धन कोण POQ बराबर 180 अंश। यह समीकरण नंबर हुआ हमारा 1। इसी तरह से आप चित्र 23 पर फिर से देखिए, किरण OS भी रेखा TQ पर है, अतः रैखिक युग्म कोण TOS धन कोण SOQ बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कोण TOP धन कोण POQ धन कोण TOS धन कोण SOQ बराबर 180 अंश धन 180 अंश। या हम लिख सकते हैं कि कोण TOP धन कोण POQ धन कोण TOS धन कोण SOQ बराबर 360 अंश। समीकरण 3। पुनः चित्र देखिए। चित्र से स्पष्ट है कि कोण TOP धन कोण TOS बराबर कोण POS। या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, कोण TOP बराबर कोण POS ऋण कोण TOS। कोण POS ऋण कोण TOS। यह समीकरण हुआ हमारा 4। फिर से आप चित्र देखिए। चित्र से एक और संबंध हमें प्राप्त होता है, कोण SOQ बराबर कोण SOR धन कोण QOR। समीकरण नंबर 5। समीकरण 3 में समीकरण 4 और समीकरण 5 से मान रखने पर कोण POS ऋण कोण TOS धन कोण POQ धन कोण TOS धन कोण SOR धन कोण QOR बराबर 360 अंश। यहाँ पर देखिए, ऋण कोण TOS और धन कोण TOS है,
इसलिए हम आगे लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू धन कोण क्यू ओ आर धन कोण एस ओ आर धन कोण पी ओ एस बराबर 360 अंश। यही सिद्ध करना था।